नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने लखनऊ PGI में आखिरी सांस ली। वे लंबे वक्त से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। कल्याण सिंह के निधन के बाद भारतीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, कल्याण सिंह जी का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को प्रशय दिया व शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है, मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों, समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। पीएम मोदी ने आगे लिखा, भारत की संस्कृति विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों में वे रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसान, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, जनसंघ के समय से ही उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें यह देश हमेशा याद रखेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। मेरे लिए तो ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतीय राजनीति की वो कद्दावर हस्ती थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, कृतित्व से देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका लंबा राजनीतिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। वे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, कल्याण सिंह जी के निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा के लिए तैयार करने वाले बाबूजी की छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। कल्याण सिंह जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत व्यथित हूँ। जनसंघ और भाजपा को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में कल्याण सिंह जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह BJP के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। जब से वे अस्पताल में भर्ती थे तब से BJP के कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने अस्पताल आए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर कल्याण सिंह का हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए अस्पताल आए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।